भीम आर्मी भारत एकता मिशन के संयोजन से आज ग्राम रोपड़ी कपूरपुर में 1818 में हुए महार आंदोलन में उन 500 महारों को श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें मुख्य अतिथि राष्ट्रीय प्रवक्ता मनजीत सिंह नोटियाल, जिला अध्यक्ष कमल सिंह वालिया, नगराध्यक्ष प्रवीण गौतम मौजूद रहे, जिसमें लोगों ने भारी संख्या में पहुंचकर अपनी उपस्थिति दी। इस मौके पर प्रवीण रूपणी, प्रवीण गौतम, टिंकू कपिल, सुमित वर्मन एवं समस्त ग्राम वाले मौजूद रहे। क्राइम स्टोरी के लिए सहारनपुर से संवाददाता ललित कुमार की रिपोर्ट। मनजीत सिंह नोटियाल, ये प्रोग्राम हम लोगों ने आज से लगभग 200 साल पहले 1 जनवरी 1818 को महाराष्ट्र के कोरा गांव में एक कांड हुआ था, जिसमें कि महार अर्थात दलित समाज के लोगों पर कुछ अत्याचारियों ने अचानक से हमला बोल दिया था और वह अत्याचारी लोग लगभग 28,000 लोग थे और जिस प्रकार से हमारे दलित लोगों ने 500 लोग थे उन लोगों ने 500 हमारे दलित समाज के 500 लोगों ने उनका डटकर मुकाबला किया और उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया था। तो हम आज यह इस उपलक्ष पर शौर्य दिवस के रूप में यह हम कार्यक्रम कर रहे हैं और विचार गोष्ठी कर रहे हैं और इसका हम प्रचार प्रसार इसलिए कर रहे हैं कि दलित समाज को जो लोग कमज़ोर समझते हैं, जो लोग बेसहारा समझते हैं, जिन लोगों ने दलित समाज के पट्टे छीन लिए, जिन लोगों ने दलित समाज के अधिकार छीन लिए, आज दलित समाज आज मजदूर होने पर कगार पर है। इसलिए हम लोग आज भीम आर्मी के माध्यम से और भीम आर्मी पूरे देश में प्रचार और प्रसार कर रही है और हम शिक्षा का प्रचार कर रहे हैं और इसी उपलक्ष्य में यह विचार गोष्ठी और शौर्य दिवस मना रहे हैं।